मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय ने मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले पर पुनर्विचार कर प्रकरण में अभियुक्त दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दरअसल 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिया था दिग्विजय सिंह ने कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बजरंग दल, भाजपा, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सिविल कोर्ट ने 11 जनवरी 2020 को इसी मामले को निरस्त कर दिया था। वहीं इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता सत्र न्यायालय पहुंचा, जिसमें उसने तर्क दिया कि वह वकील होने के साथ साथ आरएसएस का कार्यकर्ता भी है, लेकिन दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए और करोड़ों कार्यकर्ताओं में से ही वह भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए उसे भी दिग्विजय सिंह के विरुद्ध परिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार है। पहली बैठक टीम को हर आदमी अपनी बात नेता अपनी बात कहना चाहता है। आप सब लोग को जो सर बिना माइक के बोलिए, नहीं तो ऑडियो मिक्स हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। 2023 के चुनाव की तैयारी जिस प्रकार से हो, पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी ने बैठ के ले रखा। मैं सभी लोगों से चल के बात करूं तो हमने यहाँ पर सभी जो ग्वालियर चंबल संभाग के हमारे वर्तमान विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष आदि सभी लोगों की हमने सीधे पूछने के लिए 31 अगस्त 2019 की बात है, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भिंड गए हुए थे और वहीं पर एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल पर ये आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए भारत से जासूसी करते हैं। ये आरोप पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप थे, बिना प्रमाण के आरोप थे। इन्हीं को आधार बनाते हुए दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मेरे द्वारा मानहानि का एक मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के न्यायालय में किया गया था और वहां पर सारी साक्ष्य, उनके वक्तव्य के संबंध में सीडी, अखबारों की प्रतियां, सब कुछ प्रस्तुत किया गया था। और अधीनस्थ न्यायालय में मेरे साथ साथ चार अन्य साक्षियों के कथन भी लेखबद्ध किए गए थे, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा परिवाद पत्र ये कहकर खारिज कर दिया था कि चूंकि दिग्विजय सिंह ने हमारे विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मानहानिकारक आरोप नहीं लगाए हैं, इसलिए उनके विरुद्ध मामला नहीं बनता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश था वह वैधानिक आदेश नहीं था, विधि विरुद्ध आदेश था, साक्ष्य से परे आदेश था, इसलिए इस आदेश को मेरे द्वारा सत्र न्यायालय ग्वालियर में चुनौती दी गई और वहाँ पर मेरे द्वारा ये आर्गूमेंट किया गया कि चूंकि यदि किसी संगठन पर कोई आरोप लगाए जाते हैं और संगठन के कार्यकर्ता के नाते प्रत्येक कार्यकर्ता का ये दायित्व होता है, प्रत्येक कार्यकर्ता का ये अधिकार होता है कि वह मानहानिकारक दावा न्यायालय में करे और इसके लिए वह अधिकृत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने ये कहकर कि आपके खिलाफ व्यक्तिगत मानहानिक आरोप नहीं लगाए दिग्विजय सिंह ने, इसलिए मामला नहीं बनता है, ये पूरी तरह से विधि विरुद्ध है। सत्र न्यायालय ग्वालियर द्वारा मेरे आर्गूमेंट को सही माना गया और मैंने जो कानून न्यायालय के सामने रखे गए उनको उन्होंने सही माना और इसके साथ ही सत्र न्यायालय ग्वालियर द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया गया है कि मामले का पुनर्विचार करते हुए दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा।